हेलो नमस्कार दोस्तों, 9 मार्च 2018 की द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम द हिंदू के इम्पोर्टेंट एडिटोरियल्स हैं वो डिस्कस करेंगे। तो चलिए हमारी डिस्कशन है वो स्टार्ट करते हैं। आज सबसे पहले जो आर्टिकल आया है एक, वो है आंध्र प्रदेश के स्पेशल स्टेट के कैटेगरी के दर्जे की मांग को लेकर, कि आंध्र प्रदेश है वो स्पेशल स्टेट के कैटेगरी के दर्जे की मांग को लेकर बार बार अपनी मांग है वो उठा रहा था, उसको लेकर आर्टिकल है। GS2 के लिए हमारी इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो हम इस आर्टिकल के बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे कि क्यों भाई आंध्र प्रदेश वो स्पेशल स्टेट के दर्जे की मांग है वो बार बार कर रहा है। तो चलिए डिस्कशन में देखते हैं। देखो सबसे पहली बात आती है 1969 से, 1969 में गडगिल रिपोर्ट आई थी, और उस गडगिल रिपोर्ट में ये कहा गया था कि भाई जो राज्य पिछड़े हुए हैं या फिर जो राज्य की जिनकी हालत ठीक नहीं है, जिनमें काफ़ी हिली एरिया है या फिर जो बॉर्डर वाले एरिया हैं, जो बॉर्डर वाले मतलब स्टेट हैं, उनको थोड़ा स्पेशल स्टेट का प्रावधान दिया जाए, मतलब उनको स्पेशल स्टेट की कैटेगरी में रखा जाए ताकि उनको थोड़ा बहुत सपोर्ट वगैरह दिया जा सके एक्स्ट्रा वगैरह, इसके लिए वो आया था। अब इसमें क्या हुआ था, यह मेनली जो आई थी गडगिल रिपोर्ट, ये आई थी उस टाइम पे प्लानिंग कमीशन और NDFC नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के द्वारा। तो अब ये दोनों ही बॉडी नहीं रही हैं, तो इनके बारे में तुम्हें कुछ देखना नहीं, बट हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भाई स्पेशल स्टेट के कैटेगरी की जो बात है वो कब आती है। तो मतलब संविधान में इसके बारे में कोई उल्लेख नहीं है, इसके बारे में उल्लेख है वो 1969 में गडगिल कमेटी की रिपोर्ट के बाद आया था कि भाई कुछ एरिए या कुछ जो हमारे स्टेट हैं वो काफ़ी पिछड़े हुए हैं, वहाँ पर कुछ डेवलपमेंट वगैरह के लिए अलग अलग तरीके से काम करना है। अब हम ये देखते हैं कि भाई स्पेशल स्टेट का दर्जा मिलता है अगर किसी स्टेट को, तो उसका फ़ायदा क्या क्या होता है, मतलब हर स्टेट है वो स्पेशल स्टेट के दर्जे की मांग बार बार क्यों करते हैं, इसके रीजन्स क्या हैं, तो वो देखते हैं। इसके देखो फायदे ये आते हैं, सबसे पहली बात तो आती है कि एक तो उसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ जो फंडिंग दी जाती है वो 90% फंडिंग है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, कोई भी स्कीम वगैरह में 10% फंडिंग है वो केवल स्टेट गवर्नमेंट को देनी होती है। अदरवाइज ये होता है नॉर्मल स्टेट के लिए कि जो 70% फंडिंग है वो देती है सेंट्रल गवर्नमेंट और 30% ऑफ फंडिंग है वो देती है स्टेट गवर्नमेंट, और कई बार तो ऐसा भी होता है कि 50% फंडिंग है वो स्टेट गवर्नमेंट देती है और 50 सेंट्रल गवर्नमेंट। बट अगर स्पेशल स्टेट है तो मतलब बात है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा छूट है वो देगी। देखो आप एक बेसिक चीज़ से ऐसे समझ सकते हो कि अगर स्पेशल स्टेट है तो उसका मतलब साफ साफ ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट उनके लिए थोड़े रूल है वो सॉफ्ट रखेगी और उनको फंडिंग वगैरह ज़्यादा देगी ताकि उनकी डेवलपमेंट वगैरह हो सके, क्योंकि स्पेशल स्टेट का दर्जा उसको मिलता है जो काफ़ी पिछड़ा हुआ हो, या तो पिछड़ा स्टेट हो या फिर उसमें काफ़ी हिली वगैरह एरिया हो तो जिसकी वजह से वहाँ पर डेवलपमेंट में काफ़ी दिक्कत आ रही हो, या फिर कोई बॉर्डर वाला स्टेट हो जिसकी वजह से वहाँ पर बॉर्डर का इश्यू वगैरह होता हो, तो ऐसी कंडीशन में ये सारे मामले हैं वो होते हैं। इसके साथ ही एक इंटरेस्टिंग बात ये होती है कि जैसे एग्रीकल्चर के लिए इरिगेशन के लिए जो भी प्रोजेक्ट होते हैं उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट है उनको 90% फंडिंग है मैक्सिमम वो उनको प्रोवाइड करती है, और एक इंपॉर्टेंट बात आती है कि यूनाइटेड स्पेशल सेंट्रल जो असिस्टेंस है वो 100% दी उनको दी जाती है। तो देखो इतना सब आपको डाटा याद रहे या नहीं रहे वो कोई बात नहीं, बट आपको बेसिक पॉइंट मैंने बता दिया कि स्पेशल स्टेट का मतलब होता क्या है। इसके साथ उनको टैक्स वगैरह में छूट होती है, जैसे वहाँ पर कोई भी नई इंडस्ट्री वगैरह लगाई जाती है तो उस कंडीशन में उनको काफ़ी बेनिफिट मिलते हैं, टैक्स वगैरह में छूट मिलती है, जो एक्साइज टैक्स ड्यूटी वगैरह होती है उनमें भी काफ़ी सारे प्रावधान होते हैं। इसके साथ एक्सपोर्ट को बूस्ट करने में भी काफ़ी हेल्प है सेंट्रल गवर्नमेंट है वो करती है। अब देखो बात ये आती है कि अब आखिर सेंट्रल गवर्नमेंट इसको मतलब आंध्र प्रदेश को स्पेशल स्टेट की कैटेगरी का दर्जा क्यों नहीं दे रही है, तो ये यहाँ पे आर्टिकल के मेन पॉइंट की शुरुआत होती है। तो ये काफ़ी अच्छे पॉइंट है, आप इनको थोड़ा ध्यान से सुनना। सबसे पहले बात ये आती है 14th फाइनेंस कमीशन की। देखो जोधवा जो फाइनेंस कमीशन था इसने एक बात ये कही थी कि भाई जो स्पेशल स्टेट की जो कैटेगरी का सीन है ना आप इसे खत्म कर दो, सेंट्रल गवर्नमेंट को एक कहा था, मतलब रिकमेंडेशन दी थी पहले, और उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने हाँ भर दी थी कि हाँ भाई हम स्पेशल रिकमेंडेशन है स्पेशल स्टेट की जो बात है दर्जे की वो हम खत्म कर रहे हैं। बट इसके साथ एक छूट दूसरी छूट देने की बात की गई थी, वो ये की गई थी, देखो पहले ये प्रावधान था 14th फाइनेंस कमीशन से पहले कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो टैक्स होता है ना सेंट्रल टैक्स होता है उस टैक्स में से 32% जो पैसा है ना वो जाता था स्टेट के पास, और अब जो फाइनेंस कमीशन है 14th फाइनेंस कमीशन उसने ये बोला कि भाई जो 32% पैसा जाता है ना सेंट्रल टैक्स से उस पैसे की बजाय उसको 42% कर दो, मतलब उस पैसे की संख्या बढ़ा दो, मतलब साफ ही है कि सेंट्रल के पास जो टैक्स होता है उसमें से स्टेट की जो भागीदारी है वो बढ़ा दो, मतलब 42% स्टेट की भागीदारी कर दो ताकि सेंट्रल टैक्स से पैसा है वो मैक्सिमम पैसा स्टेट के पास चला जाए। तो ये इसमें प्रावधान कर दिया गया, तो आप खुद इस चीज़ से समझ सकते हो कि देखो मेनली जो स्पेशल स्टेट की बात थी वो यही थी कि भाई स्टेट को ज़्यादा फायदा होना चाहिए, उसको ज़्यादा पैसा मिले, बट यहाँ पे 14th फाइनेंस कमीशन ने एक डायरेक्टली क्लियर कर दिया कि भाई जो पैसा स्टेट को मिलता है वो पहले उसकी लिमिट है वो भी बढ़ा रहे हैं। तो मतलब ऑल ओवर ये हो गया कि जो स्पेशल स्टेट के जो प्रावधान थे उसका कोई बेनिफिट नहीं रहा। अगर अब किसी स्टेट को स्पेशल स्टेट का दर्जा मिलता है तो उसको वो पहले की तरह छूट नहीं मिलेंगी, क्योंकि अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने कह दिया कि भाई 14th का जो फाइनेंस कमीशन था इसकी बातें हमने मान ली हैं और उसके तहत भी हमने डिसाइड कर लिया है कि अब हम केवल जो सेंट्रल टैक्स है
उसमें से मैक्सिमम पैसा है वो स्टेट को दे देंगे, तो इसलिए इसका कोई फायदा नहीं रहेगा। मतलब सीधी सी बात यह है कि अब स्पेशल स्टेट की अगर कैटेगरी का दर्जा मिलता है किसी स्टेट को, तो उसको फायदा नहीं होने वाला जितना पहले होता था, क्योंकि अब उसको टैक्स की जो टैक्स का पैसा था वो ज़्यादा ऑलरेडी पहले से दिया जा रहा है। तो इसी बात को लेकर अभी विवाद है, वो सुर्खियों में आ रहा है ज़्यादा। वो विवाद इसलिए आ रहा है, एक रीजन उसका यह है कि 2014 में जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे उससे पहले, तो उस टाइम का सीन आता है यहाँ पे। तो उस टाइम पे हुआ था कि राज्यसभा में मनमोहन सिंह ने ये कहा था कि भाई हम आपको स्पेशल स्टेट का दर्जा है वो देंगे, आंध्र प्रदेश से एक वादे की बात की थी। तो अब आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ये कह रही है कि भाई देखो उस टाइम पे वादा किया गया था और अब ये वादा है, ये हमारे जो स्टेट की जनता है उसके साथ इमोशनल इश्यू हो गया है, इसलिए हमें स्पेशल स्टेट का दर्जा चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट उन्हें कह रही है कि भाई हम आपको जो जितनी फैसिलिटी हैं, जो इतना फंड वगैरह वो दे रहे हैं, क्योंकि देखो आंध्र प्रदेश का ऐसा कहना है कि हमारा मैक्सिमम जो हिस्सा है वो तेलंगाना में चला गया है और इसलिए हमारे पास इतनी इंडस्ट्री वगैरह भी नहीं है, ग्रोथ के इतने ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए हमें थोड़ी मतलब एक तरीके से थोड़ा पैसा ज़्यादा चाहिए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि भाई हम आपको पैसा ज़्यादा दे रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, आपको अपनी नई जो कैपिटल बनानी है अमरावती उसके लिए भी हम आपको एक्स्ट्रा पैसा वगैरह दे रहे हैं, तो उसके लिए आप टेंशन मत लो, मतलब हम आपको रेवेन्यू डिफिसिट ग्रांट है वो देने की कोशिश पूरी पूरी कर रहे हैं, बट स्पेशली स्टेट का दर्जा देने से आपको कोई फायदा है वो नहीं होने वाला फिलहाल, क्योंकि हम आपकी ऑलरेडी जो हिस्सेदारी है टैक्स में, सेंट्रल टैक्स में, वो हमने ऑलरेडी बढ़ा दी है। बट मुद्दा क्या है, मुद्दा है कि भाई एक तो उन्होंने वादा किया था सेंट्रल गवर्नमेंट ने, तो उस वादे को पूरा करो, दूसरा ये बात आती है कि अब जनता के बीच में इमोशनल इश्यू बन गया है, इसलिए स्पेशल स्टेट की मांग का सारा मुद्दा है वो हावी उठा, कि जनता ने कहता है कि अगर हमें स्पेशल स्टेट का टैग है वो चाहिए। तो ये सारा सीन था जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया। तो इस पर जो भी यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो हमने सारे पॉइंट यहाँ पे देख लिए हैं। अब चलते हैं हम नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो आया है नॉन अलायंस मूवमेंट के बारे में, गुट निरपेक्ष के बारे में, और इसके साथ नेम। तो इसमें देखते हैं GS2 के लिए नेम या गुट निरपेक्ष के बारे में है क्या, नॉन अलायंस मूवमेंट के बारे में। देखो इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, तो बैकग्राउंड के साथ हम इस इनको सारा क्लियर करेंगे। बात आती है 1940-50 के दशक में, आपको पता है इंडिया आज़ाद होता है, और उसी दशक में ऐसी बात नहीं इंडिया आज़ाद होता, काफ़ी सारी कंट्रीज थी जो कॉलोनी के रास्ते से मुक्त हुई थी, मतलब कॉलोनी की जो बेड़ियाँ थी उनसे उन्हें मुक्ति मिली थी। इवन अफ्रीका की भी बहुत कंट्रीज थी, साउथ एशिया की भी कुछ कंट्रीज थी, तो उनको एक जो कॉलोनी का सिस्टम था यूके वाला उससे मुक्तियाँ मिली थी। तो मतलब बात यह है कि उस टाइम पर काफ़ी नई कंट्रीज हैं उनका निर्माण हुआ था, और एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये आई थी कि उस टाइम पे दो ग्रुप बन गए थे पूरे वर्ल्ड में। एक साइड तो बना था यूएसए जो था कैपिटलिस्ट का, जो कैपिटलिस्ट को मतलब रिप्रेजेंट वो करा था या पूंजीवादियों का प्रतिनिधित्व करवा था। दूसरी साइड बना था यूएसएसआर जो करा था सोशलिस्ट या कम्युनिस्ट का प्रतिनिधित्व, मतलब समाजवादी जो धारा थी उसको रिप्रेजेंट कर रहा था। तो ये दो गुट बन चुके थे, और उस टाइम पर क्या करे, दोनों ही गुट ये चाहते थे कि भाई जो नई कंट्री बनी है वो हमारे पाले में है, ताकि उसकी वैल्यू बढ़ जाए। ओबियसली यूएसए भी चाहता था कि जो कंट्री आज़ाद हुए, इवन इंडिया हो, इंडोनेशिया, बाकी जो इजिप्ट वगैरह कोई भी जो कंट्री हो वो उसके पाले में जाए, और यूएसएसआर भी चाहता था कि बाकी जो कंट्रीज है वो हमारे पाले में आए। तो इन दोनों के बीच में शीत युद्ध है वो स्टार्ट हो गया था, और दोनों ही जो कंट्रीज हैं यूएसए और यूएसएसआर, ये दोनों चाहते थे कि भाई सभी कंट्रीज हमारे पाले में आए। बट इंडिया ने बात कही कि देखो भाई हम किसी के पाले में नहीं जाने वाले। क्यों नहीं जाने वाले, क्योंकि सीन ऐसा है कि अभी हम 200 साल की जो आज़ादी, 200 साल के बाद हमें आज़ादी मिली है, और हम बिल्कुल नहीं चाहते कि हम किसी के अंडर रह के हमें अपना काम है वो करें, क्योंकि इंडिया ने बोल दिया कि भाई जिस तरीके से यूके ने हमें कॉलोनी बनाया था और हमें काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा, अगर हम एक किसी कंट्री को फॉलो करते हैं, मतलब अगर इंडिया यूएसए की तरफ जाता है तो उसका मतलब क्या होगा, इंडिया को यूएसए की बातें माननी होगी। अगर इंडिया यूएसएसआर की तरफ जाता है तो मतलब ये होगा कि इंडिया को यूएसएसआर मतलब रूस की बातें हैं वो माननी होंगी। तो दोनों ही कंडीशन में इंडिया की ऑटोनॉमी वो नहीं रहेगी, तो इसलिए इंडिया ने बोला कि हम किसी भी तरफ नहीं जाएंगे। तो इंडिया ने बनाया नॉन अलायंस मूवमेंट, मतलब एक तीसरा गुट बनाने की बात की, जिसमें यह कहा गया कि भाई जिधर हमें फायदा होगा, जिधर हमें सपोर्ट मिलेगा उधर ही मूव करेंगे। अगर किसी बात में हमें यूएसए की तरफ फायदा हो रहा है तो हम यूएसए वाले गुट में रहेंगे, किसी बात में अगर हमें यूएसएसआर की तरफ फायदा मिला तो हम यूएसएसआर की तरफ रहेंगे। मतलब जहां हमें सपोर्ट मिलेगा उस तरफ हम अस्थायी सपोर्ट की तरफ फोकस करेंगे, ऐसा नहीं कि हम परमानेंट एक की तरफ भी सपोर्ट करने वाले हैं। तो इसीलिए फिर नेम है उसका निर्माण किया गया था इंडिया, इंडोनेशिया और बाकी कंट्रीज के द्वारा मिलकर, और उसकी पहली मीटिंग थी वो हुई थी 1961 में। तो वो सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है अभी हमारे लिए फिलहाल यहाँ पे आर्टिकल में। इसके बाद में बात की आती है कि देखो नेम था उसमें इंडिया का काफ़ी अहम रोल था, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू भी इसके बारे में काफ़ी बात, मतलब बहुत सारे इसको प्रमोट हो किया गया था, काफ़ी सारे इसके ग्रुप है वो मेंबर है वो बन चुके थे। पर बाद में राइटर ये कह रहे हैं कि 1991 के बाद इसकी जो वैल्यू है ना वो खत्म होती गई, और इंडिया ने क्या कहा, क्योंकि 1991 के बाद में आपको पता कि यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया था, तो बाकी जो मेंबर थी नॉन एनएम की उन्होंने बोला कि भाई देखो अब तो यूएसएसआर भी खत्म हो गया, तो इसलिए पूरे वर्ल्ड में जो दो सीन थे, मतलब दो पोल बने हुए थे, एक साइड तो बना था यूएसए और यूएसएसआर, वो खत्म हो गया, तो इसलिए हमें नेम की जरूरत नहीं है, तो भी कहानी खत्म होती है। बट इंडिया ने कहा कि भाई ऐसी बात नहीं है, नेम हमारे इंटरेस्ट है वो सर्व कर रहा है, तो इसलिए हम नेम को कंटिन्यू रखेंगे। तो बाकी कंट्रीज ने बात मान ली और सारा सीन आ गया कंटिन्यू रखा।
इसका बाद में भारत ने कहा कि भाई नेम का मतलब ये नहीं कि कोई गुट है, नेम का मतलब है फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्शन, मतलब हमें हमारे थॉट है उनकी भी हमें पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए, और जो भी हम काम करें उनकी हमें पूर्ण स्वतंत्रता है, इसके साथ ही हम काम करेंगे। इसके बाद में बात ये आती है कि क्यूबा और सिंगापुर जो कि नेम के सदस्य थे, इन्होंने कोशिश की, क्यूबा ने तो ये कोशिश की कि भाई यूएसएसआर के, देखो क्यूबा था ये एक्चुअली यूएसएसआर के थोड़ा क्लोज था, तो क्यूबा ने यूएसएसआर के क्लोज होते हुए सोचा कि क्यों ना नेम है इसको यूएसएसआर की तरफ मूव कर दिया जाए, तो बट इंडिया ने ऐसा नहीं होने दिया, मतलब क्योंकि इंडिया ने काफ़ी लीड रोल या अहम रोल है वो निभाया था इस मामले में। इसके बाद में बात की जाए सिंगापुर की, तो सिंगापुर ने यूएसए की तरफ नेम को मूव करने की कोशिश की, बट इंडिया ने कहा नहीं नहीं भाई हम यूएसए की तरफ भी नहीं जाएंगे, हमारा जो काम है न्यूट्रल रहने वाला हम उसी तरफ फोकस करेंगे, जिधर हमें फायदा होगा उधर हम मूव करेंगे, हम किसी एक की तरफ परमानेंट सदस्य नहीं बनने वाले, एक की तरफ हम परमानेंट मूव नहीं करेंगे। इसके बाद में बात ये आती है कि यूनाइटेड नेशन के अंदर जो स्थायी सीट के लिए बात आती है, तो उसमें भी नेम हमें काफ़ी हेल्प कर रहा है, मतलब जब भी स्थायी सीट की बात है तो नेम हमारी हेल्प करता है कि हाँ भाई सीटें देनी चाहिए इंडिया को, तो वह सारा सीन आता है, तो नेम की जो प्रासंगिकता है वो आज भी कंटिन्यू है, यहाँ पे बात है वो कह रहे हैं राइट। इसके बाद में देखो बात आती है 2012 का सीन, 2012 के सीन में कुछ ऐसे होता है कि चाइना है वो यूएसए को काउंटर करने पहुंच जाता है, अब चाइना यूएसए को काउंटर करना है तो उस कंडीशन में क्या देखता है इंडिया कि भाई हमें बैलेंस बनाने की जरूरी है, क्योंकि देखो इंडिया के तो खुद ही अपने इंटरेस्ट हैं, तो उस कंडीशन में इंडिया क्या करता है अपनी पावर है वो डिसाइड करता है कि भाई हमें किधर जाना है, तो ऐसे मामले में भी इंडिया वो ऐसी बात नहीं है, कभी चाइना की तरफ भी रहता है थोड़ी बहुत बातों में, जैसे WTO के मामलों में इंडिया चाइना की तरफ फेवर करता है, और जो यूएसए के साथ है बाकी मामलों में सपोर्ट करता है, जैसे क्वाड ग्रुप इंडिया ने बनाया था, तो मतलब इंडिया भी अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग काम कर रहा है। इसके बाद एक काफ़ी इंटरेस्टिंग बात ये आती है कि देखो जो विश्व की जो ह्यूमन और जो यूनिवर्सल वैल्यू है ना उस पर फोकस करना होगा, अगर इंडिया है वो अपनी अपने आप, यहाँ पे राइटर कह रहे हैं कि अगर इंडिया अपने आप को ग्लोबल लीडर बनाना चाहता है ना, क्योंकि देखो इंडिया बार बार ये मांगे उठा रहा है कि भाई वो ग्लोबल लीडर बने, अगर इंडिया को ग्लोबल लीडर बनना है तो उसे पूरे विश्व की जो ह्यूमन और जो यूनिवर्सल वैल्यू है ना उनका सम्मान करना होगा और उनको पूरे विश्व के सामने उठाना होगा, ऐसा नहीं है कि इंडिया सिर्फ अपने ही अपने इंटरेस्ट को सर्व करे, इंडिया को बाकी कंट्रीज़ के इंटरेस्ट हैं वो भी सर्व करने होंगे, मतलब ह्यूमन जो वैल्यूज़ हैं उनकी तरफ भी ध्यान देना होगा, इसके साथ जो बाकी यूनिवर्सल वैल्यूज हैं उनको भी फोकस करना होगा, तभी इंडिया एक ग्लोबल लीडर है वो बन सकता है। इसके बाद में पॉइंट ये आता है कि देखो इंडिया ना वो खुद को अपनी फॉरेन पॉलिसी बना रहा है आजकल, मतलब इंडिया खुद अपने काम है वो अपने कोडिंग कर रहा है और आगे कंटिन्यू लगातार बढ़ रहा है। अब देखो सीन थोड़ा ऐसे आ रहा है कि आजकल आप खुद देख सकते हो कि इंडिया है वो थोड़ा थोड़ा यूएसए के क्लोज जा रहा है, जैसे कि अभी क्वाड ग्रुप है वो बनाया था, ये क्वाड ग्रुप वगैरह मेनली इसीलिए बनाया गया ताकि चाइना को काउंटर किया जा सके, अब यहाँ पे राइटर ये कह रहे हैं बट देखो देखा जाए तो 2016 में वेनेजुला में नेम का मीटिंग हुई, समिट हुआ था, उस समिट में इंडिया के प्रधानमंत्री ने पार्टिसिपेट नहीं किया, तो ऐसा हुआ तो इसका मतलब क्या है कि इंडिया है वो नेम की तरफ आजकल इतना आकर्षित नहीं है, तो इसके काफ़ी कुछ नुकसान भी हो सकते हैं, काफ़ी कुछ फायदे वो भी हम यहाँ पे देखने वाले हैं। देखो अब इंडिया का थोड़ा भी ऐसा मानना है, इंडिया नेम को लेकर थोड़ा न्यूट्रल या ढीला इसलिए बना हुआ है क्योंकि इंडिया का ऐसा सोचना है कि भाई नेम के अंदर काफ़ी सारे सदस्य हैं, ऐसा नहीं कि दो तीन कंट्रीज़ हैं, मतलब इंडिया में काफ़ी सारे मेंबर, नेम के अंदर काफ़ी सारे मेंबर हैं, इसकी वजह से उन सारे कंट्रीज़ को एक साथ लेकर चलना मुश्किल है, जैसे कि वो बात है कि भीड़ को एक साथ लेकर चलना है तो काफ़ी सारी दिक्कत आएगी, तो इसलिए इंडिया ने सोचा कि भाई मैं अकेले ही मेरे प्रगति के राह पर चलूँ ताकि मुझे कोई बाधा ना करे, बट राइटर यहाँ पे कह रहे हैं कि ये इंडिया के लिए अच्छी बात भी और बुरी बात भी है, हो सकता है कि इंडिया को ग्रोथ करने में काफ़ी हेल्पफुल करे इंडिया का डिसीजन, बट हो सकता है कि कई बार इंडिया को उल्टा भी पड़ सकता है क्योंकि इंडिया पूरे विश्व से अलग कटा रह जाएगा, तो ये इंडिया के लिए अच्छी बात भी नहीं है। तो फिर वहाँ पर राइटर एक बात ये कह रहे हैं कि देखो इंडिया अगर अकेला जा रहा है कि या यूएसए की तरफ मूव कर रहा है ना, तो इसका मतलब साफ साफ ही है कि इंडिया वो चाइना के विरुद्ध हो गया है, क्योंकि देखो चाइना और यूएसए एक दूसरे के काउंटर हैं, और अगर इंडिया यूएसए की सपोर्ट ले रहा है तो इसका मतलब इंडिया का चाइना के विरुद्ध हो गया है, और यूएसएसआर है वो एक्चुअली चाइना का आजकल सपोर्ट करने लगा है, तो मतलब इंडिया इनडायरेक्टली यूएसएसआर के सपोर्ट भी नहीं कर रहा है और चाइना का सपोर्ट भी नहीं कर रहा है, मतलब इन दोनों के विरुद्ध है वो हो गया है, तो ये हमारे लिए ठीक बात नहीं है कि भाई इंडिया ऐसा काम कर रहा है। इसके बाद में बात ये आती है, राइटर कह रहा है कि देखो इंडिया है ना उसको नेम पे फोकस भी करना चाहिए, नेम के ऊपर इंडिया को फोकस इसलिए करना चाहिए क्योंकि इसकी काफ़ी ज़्यादा वैल्यू है, इसकी काफ़ी ज़्यादा प्रासंगिकता है, इसका एक सबसे बड़ा फायदा एक तो होगा कि इसके साथ जो बाकी कंट्रीज जो इसके मेंबर हैं उनको भी सपोर्ट मिलेगा और उन कंट्रीज़ के द्वारा भी इंडिया को सपोर्ट है वो मिलेगा, तो मतलब इंडिया सभी को एक साथ लेके चलेगा तो इंडिया का भी फायदा है वो सर्व हो जाएगा और बाकी कंट्रीज़ का भी फायदा है वो सर्व होगा। इसी के साथ राइटर यहाँ पे एक पॉइंट नेगेटिव ये भी बता रहे हैं कि भाई देखो आज के टाइम पे मल्टीपल वर्ल्ड ऑर्डर की बात की जा रही है, एक साइड है आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया भी मल्टीपल वर्ल्ड ऑर्डर में आ रहा है, एक साइड यूएसएसआर भी आ रहा है, चाइना भी आ रहा है, यूएसए भी आ रहा है, देखो पहले तो केवल दो ही थे, एक तो था यूएसएसआर और एक था एक्चुअली उस टाइम पे यूएसए, बट आज के टाइम पे सभी कंट्रीज अपने आप को वर्ल्ड ऑर्डर में शामिल करने लगी हैं, इवन इंडिया भी इसमें शामिल है, तो मतलब राइटर कहने की देखो नेम इसलिए थोड़ी दिक्कत में आ रहा है क्योंकि नेम के अंदर काफी सारी कंट्रीज हैं, तो इतनी सारी कंट्रीज को एक साथ लेकर चलने में बड़ी दिक्कत आ सकती है क्योंकि सभी कंट्रीज अपने आप को ग्लोबल लीडर माननी है, अब एक ही ग्रुप के अंदर अगर 5-6 लीडर बनेंगे तो दिक्कत आएगी ना, तो इसलिए नेम की प्रासंगिकता है उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कमी भी देखी जा रही है। इसके बाद में राइटर को सोल्यूशन दे रहे हैं, समाधान में राइटर ये बता रहे हैं कि जैसे इंडिया को इप्सा जो ग्रुप बनाया था इंडिया ब्राजील और साउथ अफ्रीका का उस पर फोकस करना चाहिए,
ग्रुप पे। इसका फायदा ये होगा कि इंडिया ग्रुप में भी रहेगा और इंडिया जिधर फायदा होगा उस तरफ मुंह करेगा। इसके अलावा दूसरा ग्रुप है जिसकी बात की जाती है G15। G15 ग्रुप में देखो मेनली ये इसलिए बनाया गया था, इसमें क्लाइमेट चेंज या जो ग्लोबल इश्यूज है ना उनके ऊपर फोकस करने की बात की गई थी, जैसे कि टेररिज्म हुआ या फिर जो प्रोटेक्शन की पॉलिसी है इनके ऊपर फोकस करने की बात की गई थी, ताकि मामले को पूरे विश्व में जो समस्या है उनको दूर किया जा सके। तो मतलब राइटर ये कहना चाह रहे हैं कि इंडिया को छोटे छोटे जो ग्रुप्स है ना उनकी हेल्प से एक तरीके से बैलेंस है वो बना के रखना चाहिए। मतलब इंडिया को ना तो किसी कंट्री से ज़्यादा दूर जाना चाहिए और ना ही किसी कंट्री के ज़्यादा क्लोज आना चाहिए, बस एक बैलेंस बना रहना चाहिए कि हाँ दूर भी हूँ और पास भी हूँ, ऐसा सीन करना चाहिए। ना दूर रहना है ना ज़्यादा क्लोज रहना है, एक बैलेंस बना रहेगा तो इंडिया अपने इंटरेस्ट है वो शो कर पाएगा और ऐसे दिक्कत भी नहीं होगी। जैसे इंडिया यूएसए से क्लोज भी रहता है और दूर भी रहता है, या चाइना के क्लोज और दूर रहता है, उसका फायदा ये हो जाएगा एक बैलेंस बना रहेगा तो कि चाइना को भी ऐसा नहीं लगेगा कि भाई चाइना है इंडिया वो चाइना से ज़्यादा दूर है, और यूएसए को भी ऐसा नहीं लगेगा कि भाई दोनों के बीच में ज़्यादा क्लोज है। तो इसकी वजह से क्या है कि आपस में संघर्ष है वो कम हो जाएंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो कोरियन पेनिनसुला के बारे में है। आर्टिकल में ये बताया गया कि देखो कोरियन पेनिनसुला मतलब जो कोरियन प्रायद्वीप है इसमें आजकल काफ़ी उथल पुथल मची हुई थी 8-10 सालों से। देखा जाए तो उसमें दो कंट्री है, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया, पर इन दोनों कंट्रीज के बीच में काफ़ी ज़्यादा टेंशन थे। बट अभी रिसेंटली थोड़ा मामला शांतिपूर्वक दिख रहा है ऐसा, क्योंकि देखो नॉर्थ कोरिया और पता आपको यूएसए के बीच में तो काफ़ी ज़्यादा टेंशन थे, दोनों के बीच में तो विवाद खत्म होने के नाम ही नहीं ले रहे थे। इवन कोल्ड वार जिससे जब भी ज़्यादा सीन है वो बढ़ने लग गया था। इसके साथ बात ऐसी आती है कि देखो आजकल देखा जाए तो मामला ये हो रखा है कि अभी जो विंटर ओलंपिक चल रहे थे इस दौरान नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया की दोनों की एक यूनाइटेड टीम आई, तो दोनों की यूनाइटेड टीम आई तो उसका मतलब क्या हुआ कि दोनों कंट्रीज के बीच में रिलेशन है वो इंप्रूव होने लग गए। अगर नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में रिलेशन इंप्रूव हो रहे हैं इसका मतलब यह है कि दोनों के बीच में शांति हो रही है, ताकि पूरे विश्व में भी शांति है वो स्थापित की जाएगी। क्योंकि देखो पहले तो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में जानी दुश्मनी का सीन हो रखा था, तो अगर दोनों में थोड़ी बहुत बातचीत हो रही है तो मतलब पूरे विश्व में शांति है वो कहीं ना कहीं स्थापित की जा सकती है। अब साउथ कोरिया है उसने कहीं ना कहीं नॉर्थ कोरिया से इस बात का कन्विंस भी किया कि भाई आप यूएसए वगैरह से बात कीजिए ताकि जो भी इश्यूज हैं उनको दूर किया जा सके, और इस बात पर नॉर्थ कोरिया के जो तानाशाह डिक्टेटर हैं किम जोंग वो भी एक्चुअली तैयार हो गए हैं कि हाँ भाई ठीक है हम बातचीत करने के लिए तैयार है ताकि जो भी इश्यूज हैं उनको दूर किया जा सके। तो राइटर का यही कहना है यहाँ पे कि देखो अभी अच्छा मौका है और ऐसे मामले का सेटलमेंट है वो कर लेना चाहिए, क्योंकि देखो अगर इसी मामले का सेटलमेंट अभी नहीं किया गया तो फिर काफ़ी दिक्कत हो सकती है, और यूएसए के द्वारा जो सेंक्शन लगाए गए थे उसका कोई फायदा नहीं हुआ है नॉर्थ कोरिया पे, तो इसलिए फालतू के ऐसे कांड नहीं करने हैं, केवल बातचीत के द्वारा इसका सोल्यूशन निकल सकता है, तो दोनों कंट्रीज को बातचीत के द्वारा सुलह है वो कर लेनी चाहिए थी। ये है हमारे आज के कंप्लीट आर्टिकल। तो फिलहाल की डिस्कशन में इतना ही, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।